Student, today I will discuss about the phylum Annelida. This is the first unit from your first paper. Annelida are defined as the triploblastic, bilaterally symmetrical, metamerically segmented, oscillomate worm with a thin, flexible cuticle around the body. Okay, ये phylum Annelida है. आपको first जो unit है आपका उसमें phylum Annelida पढ़ना है. ठीक है, paper first का ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है. ये यहाँ पे सबसे पहले लेट सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा. द एनिलिड्स आर द सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. एनिलिड्स जो है क्या है, सिलोमेट हैं. मतलब एनिलिडा में या एनिलिड्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है. सीलोम क्या है? सीलोम इज अ बॉडी कैविटी फाउंड इन द ऑल द मेटाजोन्स. ट्रू सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम द मिजोरम एंड फाउंड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड बॉडी वॉल एंड इट इज लाइंड विद द मिजोडर्मल एपिथीलियम. ओके, तो सबसे पहली बात यह कि सारे एनिलिड्स में सीलोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और अभी तक आपने जो पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी हेलमेंथीज, इसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, ये सारे आपके ए सीलोमेट होते हैं. और फाइलम एनिलिडा से आपका ट्रू सीलोम स्टार्ट हो जाता है और ये सारे आपके काइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और सारे कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सीलोम को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनिलिडा, दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी इज सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है इसमें. रेस्पिरेशन थ्रू द बॉडी सर्फिस. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया. दे हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डायजेस्टिव सिस्टम. देयर बॉडी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड द रीजनरेशन इज वेरी कॉमन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा, सिटी हेल्प देम इन द लोकोमोशन. मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स आर द हर्मोफ्रोडाइट. मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, दैट मीन्स मोनोसिस. ओके, दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, द अदर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड लीचेस. ओके, दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा. Now the classification of phylum Annelida. About 8,700 known species of annelids are divided into the four main classes, primarily on the basis of presence and absence of parapodia, CT, metamers and other morphological characteristics. Now the Annelida are divided into the four classes. First class is a Polychaeta. Second class is a Oligochaeta. And third class is a Hirudinea and fourth one is Archaeannelida. ये phylum Annelida के चार classes हैं. Phylum Polychaeta, जो आपका class Polychaeta है, उसमें example है आपका Neris, जिसे आपको detail में study करनी है अभी, वो आप next class में पढ़ेंगे. Arenicola and Chytopteris. Class Oligochaeta में आपका example है Phaetima, means earthworm, Lumbricus and Tubifex. And the class third is Hirudinea. Hirudinea में आपका example है Hirudinaria और Hirudo, leech. ये leech वाला class है. And Archaeannelida में example है Polygardius, Dinophilus, Protoderus. Okay? Now, let's see the classification of Annelida in detail. The first class is a Polychaeta. Polychaeta. Polychaeta means, poly means many. Keta means होता है bristles are hairs. We can also say that city. Okay? तो Polychaeta means ऐसे जो है animals इस group में, इस class में जो animals होंगे उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो है city होंगे. ठीक है, more in numbers. Now the main characteristic of class Polychaeta is chiefly marine, some freshwater. Corneorus, body segmentation
इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टू सेगमेंटेशन होता है बॉडी का, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है. हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम. सिटी आर न्यूमरस ऑन द लेटरल पैरापोडियम, ठीक है, इसीलिए इसको हम पॉलिकेटा बोलते हैं. द क्लाइटेलम इज एबसेंट. ओके, द सीलोम इज स्पेशियस, यूजली डिवाइडेड बाय द इंटर सेगमेंटल सेप्टा. ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेटिस्टिक इज द एलिमेंट्री कैनाल प्रोवाइडेड विद द इवर्सिबल बक्कल रीजन एंड प्रोटिसेबल फैरिंग्स. ठीक है, जो बक्कल कैविटी होती है और फैरिंग्स होती है वो एक जो है ऑर्गन बनाते हैं इवर्सिबल जॉ के फॉर्म में, जो है फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है. नाउ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया. सेक्सेस आर सेपरेट, गोनेड्स आर टेम्पररी, ओनली फॉर्म इन द ब्रीडिंग सीजन. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द लेटरल बडिंग एंड ट्रोफोफोर लार्वा इज प्रेजेंट. ओके, दैट मीन्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. पॉलिकेटा नाउ डिवाइडेड इंटू द टू सब क्लासेस. पॉलिकेटा एक बड़ा क्लास है, ये दो सब क्लासेस में डिवाइडेड होता है. एक आपका है क्लास एरेंशिया और दूसरा है क्लास सेडेंटेरिया. तो फर्स्ट क्लास इज एरेंशिया. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब क्लास एरेंशिया इज फ्री स्विमिंग, क्रॉलिंग, बरोइंग आर ट्यूब ड्वेलिंग एंड प्रेडेटरी पॉलिकेट्स. सेगमेंटेशन इज सिमिलर. ओके, पैरापोडिया प्रोवाइडेड विद द सीरी आर इक्वली डेवलप्ड थ्रू आउट. फैरिंग्स प्रोटिसेबल एनलार्ज्ड एंड यूजुअली विद द जॉ एंड टीथ. फॉर एग्जाम्पल नेरिस, जो आपको पढ़ना है अभी, डिटेल स्टडी करनी है, एफ्रोडाइट, यूनिस, ये आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं सब क्लास एरेंशिया के. नाउ द सेकेंड सब क्लास ऑफ पॉलिकीटा इज सेडेंटेरिया. सेडेंटेरिया कैरेक्टरिस्टिक इज बरोइंग एंड ट्यूब ड्वेलिंग फॉर्म. नाउ बॉडी मेड ऑफ टू आर मोर रीजन्स. हेड इज अ स्मॉल. नो एसिकुला आर कंपाउंड सिटी. फेरिंग्स इज नॉन प्रोड्यूसिबल, ठीक है, मतलब वो इवर्सिबल नहीं होता है. विदाउट द जॉ एंड टीथ. गिल्स वेन प्रजेंट लोकलाइज टू द एंटीरियर सेगमेंट. फीडिंग ऑन द प्लैंकिटॉन्स और ऑर्गेनिक डिट्राइटस. फॉर एग्जाम्पल चीटोप्टेरस, अरेनिकोला, ओके, सबेला एंड टेरीबेला. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब क्लास सेडेंटेरिया. नाउ द सेकेंड क्लास ओल्गोकीटा. पहला क्लास पॉलीकीटा था, दूसरा क्लास क्या है, ओल्गोकीटा है. ओल्गो मीन्स होता है फ्यू. ओल्गो मीन्स क्या होता है, फ्यू. फ्यू कीटा होंगे इसमें, मतलब जो सिटी होंगे वो आपके कम नंबर्स में होंगे, फ्यू होंगे. मोस्टली टेरेस्ट्रियल और सम फ्रेश वाटर फॉर्म. बॉडी विद द कॉन्सिपीक्वस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन. हेड इनडिस्टिंक्ट विदाउट सेंसरी ऑर्गन्स. सिटी आर फ्यू. दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास ओल्गोकीटा. एम्बेडेड इन द स्किन. पैरापोडिया एबसेंट. ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट फॉर द ककून फॉर्मेशन. ओके, फेरिंग्स इज नॉट इवर्सिबल एंड विदाउट द जॉ. हर्मोफोडाइट. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट मीन्स नो एनी लार्वा स्टेज प्रेजेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लुम्ब्रिकस एंड ट्यूबिक्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ओल्गोकीटा. नाउ द क्लास थ्री इज हिरुडीनिया. इट इज़ अ क्लास ऑफ लीच, जोंक. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास हिरुडीनिया इज मोस्टली एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग और कॉर्नियोरस. फ्यू आर मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल. द बॉडी इज इलोंगेटेड, यूजली फ्लैटेंड. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट, दैट इज 33. ओके, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विदाउट द इंटरनल सेप्टा. पैरापोडिया एंड सिटी आर एबसेंट. बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी विथ वेंट्रली सिचुएटेड सकर्स. सकर्स होते हैं क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, ये ब्लड को सक करने के लिए सकर्स प्रेजेंट होता है. नाउ द सीलोम मच रिड्यूस्ड ड्यू टू फीलिंग बाय द बोट्राइडल टिश्यूज एंड फॉर्म द हीमोसीलोमिक सेंसेस. हर्मोफोडाइट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. Eggs are always laid in the cocoon. Development is direct. No any larva stays. For example, Hirudinaria and Hirudo. ये आपके जो है कैटेस्टिक है क्लास तीसरा जो क्लास है हिरुडेनिया.
Now the last class of phylum Annelida is Archaeannelida. Archaeannelida, arch means first. These are the exclusively marine form, body elongated and worm-like. Cetacea and parapodia are usually absent. External segmentation is slightly marked by the vent. Okay. And prostomium bears 2 or 3 tentacles. Sexes usually separate. Hermaphrodite, usually trochophore larva. Example, Polygardius, Dinophilus and Prototilus. ये जो है एनलेडा का चौथा क्लास है आर्चियनलेडा. ओके, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम एनलेडा का, यहाँ कि फाइलम एनलेडा से ट्रू सीलोम स्टार्ट हो जाता है. तो थोड़ा सा सीलोम के बारे में हम लोग देखते हैं. व्हाट इज़ अ सीलोम? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ सीलोम? सीलोम इज अ मेन बॉडी कैविटी फाउंड इन ऑल द मेटाजोअन्स. ट्रू सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म and found between the intestinal canal and the body wall, and it is lined with the mesothelium. Okay, mesothelium. In other animals such as the mollusk, it remain undifferentiated. Phylum Annelida से true coelom start हो जाता है और ये आपके पूरे chordates तक में present होता है. Basically there are the three structural types of body plans related to the coelom. यहाँ पे तीन आपके टाइप्स के जो है वो होते हैं, जो स्ट्रक्चर है बॉडी के. पहला आपका ए सिलोमेट एनिमल्स, दूसरा स्यूडो सिलोमेट्स एंड तीसरा होता है यू सिलोमेट. ए सिलोमेट मीन्स एनिमल्स विद द नो सिलोम, मतलब सिलोम जिसमें एब्सेंट है. जैसे कि आपके पूरे जो प्लेटीहेलमिंथीस है या अदर जो पहले वाले जो फाइलम्स हैं उन सब में क्या है, सिलोम एब्सेंट है, सिलोम प्रेजेंट नहीं है. तो वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ए सिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट मतलब एनिमल्स विद द फॉल्स सीलोम. फॉल्स सीलोम मतलब वो ट्रू सीलोम नहीं है, फॉल्स सीलोम है. और वो किस में है, आपके जो है निमेटोड्स में, जो फाइलम निमेटोडा है उसमें. जैसे कि आपका एग्जांपल है एस्कैरिस, वाउचेरिया, एनकाइलोस्टोमा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में. तो उसमें आप जो है आपका क्या है, स्यूडोसिलोमेट है, मतलब उनमें सीलोम जैसा स्ट्रक्चर है पर वो क्या है, फॉल्स है. नाउ द यू सिलोमेट यानी कि एनिमल्स विद द ट्रू सीलोम. फॉर एग्जाम्पल एनिलेडा, आर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एंड ऑल द कॉर्डेट्स, ये सारे क्या हैं, ट्रू सीलोम है. एंड इनको हम कहते हैं यू सीलोमेट, मतलब एनिमल्स जिसमें कि जो है ट्रू सीलोम प्रेजेंट होते हैं. नाउ यहाँ पे देखिए तीन सीलोम आपके, पहला तो आपका यू सीलोमेट. यू सीलोमेट देखिए यहाँ पे सेम ये सीलोम, ये सीलोम वाला एरिया है यहाँ पे, ये देखिए ये सीलोम है. यू सीलोमेट जिसमें कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और जो ट्रू सीलोम होता है वो आपका मैंने पहले ही बताया, ट्रू सीलोम इज डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म फाउंड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड बॉडी वॉल एंड इट इज लाइंड विद द मेसोडर्मल एपिथेलियम. अरे किसमें किसमें होता है, फाइलम एनलेडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड ऑल द कॉर्डेट्स. ठीक है, यहाँ पे तीनों लेयर्स देखिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. ओके, और इसके बाद जो है नेक्स्ट ए सिलोमेट. ए सिलोमेट एनिमल्स मीन्स एनिमल्स विद द नो सीलोम. इसमें देखिए यहाँ भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी बीच में हो गई, यहाँ पे कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है. ये किसमें होता है, आपके प्लेटीहेलमिंथीज में, जैसे कि आपका टीनिया सोलेम है, लीवर फ्लूक है, जो फ्लैट वर्म्स हैं वो क्या है, ए सिलोमेट है, जिसमें सीलोम क्या है, एब्सेंट है. नाउ द स्यूडोसीलोम. स्यूडोसीलोम किसमें होता है, आपका जिसमें मतलब स्यूडोसीलोम बेसिकली होता है आपके निमेटोड्स में, जो निमेटोड्स होते हैं उनमें यानी कि राउंड वर्म्स. राउंड वर्म्स क्या होते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं, उनमें फॉल्स सीलोम होता है. फॉल्स सीलोम कब कहते हैं, बेसिकली स्यूडोसीलोम इज फॉर्म्ड from the outgrowth of blastocoel, not from the mesoderm. Okay, pseudocoelom is formed from the outgrowth of blastocoels and occur in the between the body wall and the gut, and it is a special feature of all the nematodes. Nematodes means jo roundworm jaise ki ascaris, vaucheria, ankylostoma, entrobius,
ये सारे निमेटोड्स हैं जिसमें कि जो है स्यूडो सिलोम होता है, फॉल्स सिलोम होता है। यहाँ पे देखिए इसमें मेसोडर्म लेयर, एंडोडर्म लेयर, एक्टोडर्म लेयर और ये आपका बीच में डाइजेस्टिव कैविटी है और ये वाला जो है ये स्यूडो सिलोम है। ओके, तो आपकी जो है तीन कैटेगरी एनिमल्स की वो क्या है सिलोम के भाव पे, एक आपका ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और यू सिलोमेट। ओके, नाउ ट्रू सिलोम जो है, सिलोम जो है वो आपका टू टाइप्स का होता है। सिलोम जो है आपका जो ट्रू सिलोम है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है साइजोसिलोम, दूसरा होता है एंट्रोसिलोम, या वी कैन ऑल्सो से दैट साइजोसील एंड एंट्रोसील। तो साइजोसील, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ सिलोम, तो आपके दो टाइप्स के सिलोम डेवलप होते हैं, एक आपका है साइजोसील और दूसरा क्या है एंट्रोसील। जब जो है और हमारे जो भी ट्रू सिलोम जिसमें पाए जाते हैं, जितने भी यू सिलोमेट्स होते हैं उसमें आपका जो है साइजोसील भी होता है और एंट्रोसील भी। तो सबसे पहले चीज़ ये कि साइजोसिलोम जो होता है वो आपके जो है एनलिडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में होता है, और एंट्रोसिलोम जो होता है वो आपके जो है इकाइनोडर्मेटा से लेके सारे कॉर्डेट्स में होता है। तो साइजोसिलोम कब कहते हैं सिलोम को, जब जो है सिलोम डेवलप फ्रॉम द स्प्लिट इन मेसोडर्म, जब सिलोम जो है आपके मेसोडर्म में स्प्लिट होने से फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं साइजोसिलोम, और ये किस में होता है फाइलम एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। इसको देखिए यहाँ पे पिक्चर इनलार्ज करें, एंडोडर्म अर्ली मेसोडर्म सेल्स, नाउ द यहाँ पे स्प्लिट इन द मेसोडर्म, और इस तरीके के हम जो है डेवलपमेंट को, सिलोम के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं साइजोसील। यहाँ पे ये डेवलपिंग सिलोम, तो ये क्या हो गया साइजोसील। और नाउ द एंट्रोसील, एंट्रोसील क्या होता है, when the coelom develop from the wall of embryonic gut, that is known as एंट्रोसील या एंट्रोसीलोम, which is found in the phylum Echinodermata to chordate। ये देखिए यहाँ पर ये आपका अर्ली मेसोडर्म सेल्स, एंडोडर्म सेल्स, एक्टोडर्म सेल्स, नाउ द सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम द गट एंड डेवलपिंग सीलोम। तो ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ एंट्रोसील एंड डेवलपमेंट ऑफ साइजोसील। तो ट्रू सिलोम जो है डेवलपमेंट के बिहाफ पे टू टाइप्स का होता है, एक साइजोसील या साइजोसीलोम एंड दूसरा एंट्रोसील या एंट्रोसीलोम। तो किस टाइप का ट्रू सिलोम होता है आपके फाइलम एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, साइजोसीलोम होता है, और सारे कॉर्डेट्स में और इकाइनोडर्मेटा में कैसा होता है, किस टाइप का होता है, वो आपका होता है एंट्रोसील। नाउ द फंक्शन ऑफ सिलोम, सिलोम का फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक फाइलम एनलिडा का क्या है, सिलोम प्रेजेंट होता है फाइलम एनलिडा में। तो सबसे पहली बात ये कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलोम। तो सिलोम का फंक्शन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सिलोम में फ्लूइड फील्ड होता है इसलिए ये एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ये जो है आपके जो है गट, जो इंटेस्टाइनल गट होता है वो और बॉडी वॉल के बीच में होता है, तो इसलिए जो है दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। फंक्शन एज अ डिपॉजिटरी फॉर एक्सक्रीटरी मटेरियल, फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मतलब ये सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एंड अलाउ फॉर द चेंज इन द ऑर्गन साइजेस विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कैविटी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इट अलाउ फॉर अ चेंजेस इन द ऑर्गन साइजेस विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द सिलोम। सो सिलोम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका फाइलम एनलिडा से स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेरिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।